अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए, जिसमें इसकी समस्याएं कुछ इस प्रकार हैं। नंबर वन है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। जैसे प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना होता है कि यह किन वस्तुओं का उत्पादन करे और कितनी मात्रा में। यदि एक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाए तो अर्थव्यवस्था में दूसरी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कम हो सकता है, तथा विपरीत एक अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना पड़ता है कि वह खाद्य पदार्थों का उत्पादन करे या मशीनों का, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च करे या फिर सैन्य सेवाओं के संगठन में, उपभोक्ता वस्तुएं बनाएं या फिर पूंजीगत वस्तुएं। नंबर टू है, वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। सभी वस्तुओं का उत्पादन कई तकनीकों द्वारा हो सकता है। किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग करें या पूंजी प्रधान तकनीकी का, यह निर्णय लेना होता है। इसके लिए निर्णायक सिद्धांत यह है कि एक ऐसा तकनीकी का प्रयोग करें जिसका औसत उत्पादन लागत उत्पादन न्यूनतम हो। फिर थर्ड है, थर्ड में है आपका, उत्पादन किसके लिए करें। इसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा कैसे प्राप्त होगी, अर्थव्यवस्था के उत्पादन की व्यक्ति विशेष में किस प्रकार विभाजित किया जाए, यह आय के वितरण पर निर्भर करता है। यदि आय समान रूप से विभाजित होगी तो वस्तुएं और सेवाएं भी समान रूप से विभाजित होंगी। निर्णायक सिद्धांत यह है कि वस्तुओं और सेवाओं को इस प्रकार विपरीत करो कि बिना किसी को बदतर बनाए किसी अन्य को बेहतर बनाया जा सके।